ठाकुर साहब, नीलाक्षी ये यहाँ क्या कर रही है? नीलाक्षी, ठाकुर साहब जरूर कुछ गड़बड़ है। भाई साहब, बड़े ठाकुर, उज्जवल भाई साहब, भाई साहब भाई साहब तो मर गए। इनके पैर पे सांप के घाटी का निशान है। ये नीलाक्षी का ही काम है। तुम्हारा शक सही था मस्तानी, वो लड़की नागिन है। दिसंबर चाचा, गांव वालों को इकट्ठा करो, हम उस नागिन को नहीं छोड़ेंगे। शादी कैसी लगी सर? अरे बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता था यहाँ गांव में लोग मुझसे और मेरे मुकदमों से परिचित हैं। I felt very good. परिचित हैं? सब पूरा जिला आपके फैन से भरा हुआ है, इसलिए तो मेरी मौसी ने इंसिस्ट किया था कि मेरी कजन की शादी में मैं आपको जरूर लेकर आऊं। थैंक यू फॉर कमिंग सर। अरे आई एंजॉयड। लड़की हमारे हवाले कर दो, मैं इस गांव का सरपंच हूं, आप जाओ यहां से। क्यों पीछे पड़े इसके? क्या किया इसने? हत्यारन है ये, मेरे भाई साहब ठाकुर उज्जवल सिंह की जान ले है। लेकिन उसके लिए तो कानून है ना, आप लोगों ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया है? साहब जी, ये कोई आम मुजरिम नहीं है जो कानून इसका फैसला करेगा, ये एक इच्छाधारी नागिन है। और इसका फैसला कानून नहीं, हम करेंगे। इसका जहरीला फन कुचलकर। What? क्या कह रहे हैं आप लोग? ये लड़की इच्छाधारी नागिन। ये राय बहुत दुरुस्त है, लो आ गया कानून। चल नागिन। छोड़ दो, हम आपको बचा लीजिए। छोड़ दो मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया साहब। हाँ दरोगा, बाहर निकाल इसको, इसका तो हश्र हम करेंगे। इसने हमारे भाई साहब की जान ली है नागिन। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन से युग में रहते हैं आप सब? इच्छाधारी नागिन, ये तो कथाओं की बात है, होता नहीं है ऐसा कुछ। आपके शहर में नहीं होता होगा साहब, आपके शहर में तो लोग भगवान को भी नहीं मानते, ये सब तो दूर की बात है। देखिए साहब, आप यहाँ नए आए हैं, आप इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम इसे बचपन से जानते हैं, इसका पूरा इतिहास जानते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं आप?
आपकी ये बच्ची नागिन का रूप लेकर डसती है सबको। Utter nonsense, unbelievable, अंधविश्वास की हद होती है। ओ भाई साहब, तुमको तसल्ली दिलाना हमारा काम नहीं है। अपना रास्ता नापिए, ये हमारा आपस का मामला है। चले जाइए। साहब, साहब हमें छोड़ के मत जाइएगा साहब। साहब आपके जाने के बाद ये लोग हमको मार डालेंगे। इसे गिरफ्तार किया है तो कानूनी कार्रवाई तो होगी। आपके गांव में न्यायालय है? क्यों, इस लड़की का मुकदमा लड़ोगे आप? वकील हो? एडवोकेट के डी पाठक। और के डी पाठक के होते हुए कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं हो सकती। बाकी की पहचान अदालत में दूंगा। चल वरुण, राम, इस केस के निर्णय होने तक अगर मेरे मुवक्किल को खरोंच भी पहुंची तो उसके उत्तरदायी आप होंगे इंस्पेक्टर राम। रली आ रहा। फिर से सोच लीजिए, हम इस लड़की को अच्छी तरह से जानते भी नहीं है। वो क्या है क्या नहीं है, हो सकता है वो नागिन नहीं खूनी हो। देखो हम तो उस लड़की के अपराध से अनजान है, किंतु ये गांव वाले वास्तविकता से अनजान है। और जब तक इस देश से अंधकार को नहीं मिटाया जाएगा ये देश प्रगति नहीं कर सकती। और ये अंधकार सिर्फ ज्ञान से मिट सकता है। इस समय यही हमारा कर्तव्य है। चल। अरे वकील साहब आ गए आप? हाँ लगता तो ऐसा ही है, आ गए ना हम। मैं विश्वंभर हूं, इस हवेली का पुराना वफादार। उस रात उजागर सिंह जी के बड़े भाई उज्जवल सिंह जी के अलावा यहां पे और कोई नहीं था। आइए हुजूर। वकील साहब, हमने यहां से ठाकुर साहब की लाश उठाई थी। पैर में सांप का काटा, बदन नीला पड़ा, जहर से मौत, क्लियर के, एकदम क्लियर। हो सकता है सांप पीछे से कहीं झाड़ियों से आया हो। नहीं नहीं, इस हवेली में सांप का होना तो असंभव है। अरे वकील साहब, हवेली में क्या, इस पूरे अमरौली गांव में पिछले 150 साल से किसी ने सांप को नहीं देखा। रिकॉर्ड है रिकॉर्ड। अब आप ही बताइए इसका क्या मतलब है। आप सुलझे हुए लगते हैं चाचा, आप बताइए क्या वो लड़की नागिन हो सकती है? नहीं, वो नागिन नहीं है, वो विषकन्या है। ठीक कह रहे हैं चाचा। बाप, ये जो लड़की कटघरे में खड़ी हैंगी ना। योर ऑनर, इस प्रकार अदालत में आरोपी को हथकड़ी पहनाकर खड़े करना, विशेष रूप से एक महिला आरोपी को, ये भारत के संविधान के नियमों का उल्लंघन है। वाह, खुलेआम ये नागिन को छोड़ने की मांग कर रहा है ताकि हम सबको डस ले, पूरे गांव को तबाह कर दे। ये हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे।
देखिए पाठक साहब, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। आप केस शुरू कीजिए। चमनलाल, पंखा तेज करो। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, किंतु जब तक ये हथकड़ियां उतारी नहीं जाती मैं अपना पक्ष नहीं रख पाऊंगा। और सोचने वाली बात है योर ऑनर कि अगर ये लड़की वाकई में नागिन है तो क्या हथकड़ी द्वारा सांप को रोका जा सकता है? कृपया कर राम। खुश होंगे वकील साहब, खुश होंगे। हाँ, बड़े शहर के बड़े वकील साहब। अगर आपकी इजाजत हो तो कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद। मैं बाप, 1 अगस्त की रात ठीक 11:30 बजे ठाकुर उज्जवल सिंह की हवेली से एक लड़की फरार हैंगी। 3 लोगों ने उसे देखा हैंगा। ठाकुर उजागर सिंह जी हैंगे और उनकी सहेली मस्तानी हैंगी और हवेली के रखवाले विशंबर चाचा हैंगे। उसके बाद ठाकुर के कमरे में गए ये 3 लोग और एक धसी हुई लाश देखी। ठाकुर, मैं बाप, गांव वालों का कहना हैंगा कि ये लड़की नागिन हैंगी। अब कैसे मान ले कि ये लड़की नागिन हैंगी? यहां सारे सब पढ़े लिखे लोग हैंगे। क्यों वकील साहब, अब प्रोसिक्यूशन का ये दावा हैगा कि ये लड़की ठाकुर की हवेली में उस रात अपने साथ एक नाग लेकर गई और उस कमरे में उस नाग को छोड़ा, उस नाग ने ठाकुर को डसा। सीधी सिंपल मर्डर हैंगी ये। भाई बाप, मर्डर करने के लिए कई लोग पिस्तौल का इस्तेमाल करते हैंगे, घंटा से का इस्तेमाल करते हैंगे, छुरी का इस्तेमाल करते हैंगे। इस लड़की ने नाक का इस्तेमाल किया है ना। अरे साहब, इसे बाहर से नाग लाने की क्या जरूरत है? ये तो खुद ही साफ है, नागिन कहीं की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, इस प्रकार अदालत की कार्यवाही के बीच में बोलकर कार्यवाही को खंडित करना, भंग करना, ये अनुचित है योर ऑनर। मस्तानी जी, आप यहाँ आकर के अपनी बात कहिए। वैसे तो पूरा अमरौली इस नीलाक्षी की कहानी के बारे में अच्छे से जानता है, लेकिन इस नए वकील के लिए हम ये कहानी फिर से दोहरा देते हैं। हुआ ये था कि 20 साल पहले इस विधवा दुलारी को ये लड़की छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिली थी, वो भी सांपों के डेरे के बीच में। बिल्कुल सांपों से घिरी हुई और ये उनके बीच ऐसे खेल रही थी जैसे कि सांप उसके दोस्त हैं। अब बेऔलाद होने की तड़प में दुलारी इसको अपने साथ अमरौली ले आई, इसे पाला पोसा बड़ा किया बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। लेकिन ये नीली आंखों वाली नीलाक्षी आम बच्चों की तरह नहीं है। ये सबसे अलग थलग रहती, किसी से बात नहीं करती, यहाँ तक कि देवी देवताओं के मंदिर भी नहीं जाती थी ये। जब भी कोई जानवर इसके सामने आता ना तो घबरा जाता, घोड़ा इसके सामने आता तो बिदक उठता, कुत्ते आते तो भौंकने लग जाते, मानो कि वो इसके अंदर बसी नागिन को पहचान रहे हो। ऊपर से इसकी नागमणि जैसी नीली आंखें, मुझे तो पहले से ही शक था कि ये लड़की। सुन ली आपकी कथा मस्तानी जी, घोड़ों का बिलखना, कुत्तों का भौंकना, इनकी नीली आंखें होना, तो इन्हीं बातों के आधार पर आप सबने ये निर्णय ले लिया कि नीलाक्षी ही नागिन है। ये नागिन है और मैंने इसे रूप बदलते हुए देखा है। आपको आपत्ति ना हो तो कुछ प्रश्न करूं। धन्यवाद।
तो आप कह रही थी कुछ अपने रूप बदलते हुए देखा है। जी हाँ, एक दिन मैं हवेली से लौट रही थी तो दुलारी के घर के पास मैंने देखा कि एक सांप गुजर रहा था। पहले तो मैं एकदम घबरा गई कि भाई इतने सालों से जब अमरौली में एक भी सांप नहीं देखा गया तो ये सांप आया कहाँ से। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करते हुए मैं आगे बढ़ी और उस सांप का मैंने पीछा किया और मैंने देखा कि वो सांप एक पेड़ के एक सिरे से घुसा और थोड़ी ही देर बाद दूसरे सिरे से ये नीलाक्षी बाहर निकली। इसलिए मुझे यकीन हो गया कि ये नीलाक्षी ही नागिन है और कोई नहीं। तो वो पेड़ जिसके पीछे आपने सांप को जाते देखा और नीलाक्षी को बाहर निकलते देखा, उस पेड़ की चौड़ाई कितनी थी? रहा होगा लगभग 4 फीट के आसपास। 4 फीट के आसपास। अब देखिए नीलाक्षी की कुल मिला के चौड़ाई शायद 2 फीट से कम ही होगी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता मस्तानी जी कि वो सांप पेड़ की जड़ के पास से आगे निकल गया हो और पेड़ के पीछे से नीलाक्षी बाहर निकली हो और आपको भ्रम हुआ हो कि वो सांप का रूप छोड़कर लड़की का रूप लेकर ऐसा? जी नहीं, जब इतने सालों से अमरौली में कोई सांप देखा ही नहीं गया तो फिर वो सांप आया कहां से? और एक अकेली मैं ही नहीं हूँ जो इस नीलाक्षी की सच्चाई के बारे में जानती हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे मंदिर के पंडित जी पुरोहित जी से ही पूछ लीजिए। जज साहब आपकी अनुमति हो तो पुरोहित जी को बुलाएं। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। जजमान, हम ठहरे संसार और माया जाल से दूर रहने वाले ब्रह्मचारी। हमें क्या पता ये कन्या नागिन है या कोई बाला, परंतु हम इतना अवश्य जानते हैं ये कन्या नाग देवता को पूजती है। हमने कई बार इसको नाग देवता की मूर्ति के सामने नमन करते हुए देखा है। बचपन से नागों के साथ इसका ऐसा क्या लगाव है? जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। राम राम माई बाप। अब आप तो जानते हैं हम कानून के आदमी हैं और दूसरा हम बर्डी में, झूठ बोलने का तो कोई चांस ही नहीं। ये जो लड़की है ना, बहुत ही अजीब, इसका हरकत भी नागिन जैसे ही है। अब एक बार हम भरी बरसात में तालाब के किनारे से जा रहे थे। अब आपको क्या बताएं माई बाप, हम देखे कि ये तालाब के किनारे बैठ के मेंढक को पकड़ के खा रही थी। अरे अब भला बताइए, मेंढक तो सर्पों का भोजन है, इंसानों का तो नहीं ना? जैसे जैसा प्रांत जैसे लोग वैसा भोजन, चीन में तो बड़ा विशेष भोजन माना जाता है मेंढक को। अरे वहाँ खाते होंगे वकील साहब। देखिए आपको बताएं, जिस तरीके से बड़े ठाकुर साहब की मौत हुई है ना, और इस लड़की की अजीब हरकतें, मेरा तो पूरा डाउट माई बाप इसी लड़की पे जाता है, सिर्फ इसी लड़की पे जाता है साहब। माई बाप, इसके लक्षण नागिन के भले ही ना हो पर एक बिस्कन्या के जरूर हैं। एक बार स्कूल में हुजूर इसको बिच्छू ने काट लिया, हमें तो लगा कि ये गई काम से, लेकिन चुटकी बजाते ये ठीक हो गई। मैं तो तभी भाग गया था कि इस पर जहर का कोई असर नहीं होता। इसकी रगों में खून के साथ साथ जहर दौड़ता है, ये बिस्कन्या है। बिस्कन्या हुजूर, बिस्कन्या। धन्यवाद बिराजी। लरी सिंह जी, आप तो गांव के सरपंच हैंगे जी।
आपकी आवाज गांव की आवाज आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए ये लड़की विषकन्या आएगी या नागिन? या केवल परिस्थितियों के शिकार। जैसा निलक्षी को मैं बचपन से जानता हूं, माना कि वो एक सबसे अलग लड़की है, लेकिन मैंने उसे आज तक किसी को कोई नुकसान पहुंचाते नहीं देखा। मैं नहीं मानता कि वो कोई विषकन्या है या नागिन। ठाकुर के पांव में सांप के काटे का निशान है क्या? भाई मैं वो नहीं जानता। निलक्षी, उस रात तुम उस कमरे में थी। अदालत को बताओ कि किन परिस्थितियों के चलते तुम हवेली पहुंची। डरो मत, बोलो। मेरी मां को जोड़ों का दर्द है साहब। ठाकुर उजागर सिंह ने कहा था कि शहर में उसकी दवा मिलती है, तो मां की दवा वो ले आएंगे शहर से, और बड़े ठाकुर के बुलाने की वजह से मैं उनके पास वो दवा लेने गई थी। बड़े ठाकुर, आ नीलू, ऊपर आ जा, घबरा मत, कोई नहीं है हवेली में। नहीं बड़े ठाकुर, वो माँ की दवाई लेने आए थे। ये ले तेरे माँ के जोड़ों के दर्द की दवा, पर सुन, एक महीने में दर्द छूमंतर। बड़े ठाकुर धन्यवाद जी, इसके पैसे। अरे पैसे तुझसे किसने मांगे? कभी मांगे हैं? अपनी माँ के लिए उपहार समझ। और सुन, मैं तेरे लिए भी एक उपहार आया हूं। ला इसे दे। ये देख, बढ़िया है ना, तेरी नीली आंखों से मेल खाता है। आ, पहना दूं तुझे। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वहां पे यदि यह शहर होता तो नीलाक्षी पर किए गए जबरदस्ती का साक्ष्य फोरेंसिक्स द्वारा बड़ी सरलता से हमें मिलता, किंतु यहां इन बातों के लिए समय लगता है और वो हमारे पास नहीं। इसीलिए चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इनमें साफ रीत से दिखाई पड़ता है योर ऑनर, ठाकुर उज्जवल सिंह के शरीर पर इनके नाखूनों के खरोंचे और इनके गाल पर वो लाल दाग जो ठाकुर उज्जवल सिंह के थप्पड़ मारने के कारण हुआ। इससे पूरी तरह सिद्ध होता है हियर ऑनर कि नीलाक्षी का कथन सच्चा है, ये शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार हुई है। वकील साहब, बचाओ के घाव के निशान यानी कि हमले के निशान भी तो हो सकते हैं। ये लड़की उस रात ठाकुर के घर में गई और उस पर हमला किया है ना? प्रोसिक्यूटर साहब, मैं आपको स्मरण करा दूं कि ठाकुर की मृत्यु लड़की के हमले के कारण नहीं, सांप के काटने के कारण। और वो सांप यही लड़की लेकर आई थी। इसका कोई सबूत है
हेंगा आपके पास? हेंगा हेंगा, बड़ी देर से इसी बात का इंतजार कर रहा था मैं। इक्का हेंगा। अच्छा रखिए। मैं बात आज सवेरे इंस्पेक्टर रलिया राम जी को नीलाक्षी के घर के आंगन से एक सांप की केचली मिली। अभी दिखाता हूं। असली हंगी असली असली हंगी वकील साहब, असली हंगी असली असली हंगी असली हंगी। ये पिटारी भी वहीं से मिली जिसमें सांप को रखा जाता है। और इसकी बू, भाई बाप, वकील साहब जरा सुनिए ना। अरे सुनिए, मैं बाप, इस बात का प्रमाण तो मिल गया कि अमराली गांव में एक सांप है। ये लड़की नागिन हैंगी या नहीं है तो नहीं पता, मगर इस लड़की का उस सांप से रिश्ता पक्का हैंगा। बताओ सबके सामने, बेहतर यही होगा कि अपना जुर्म कबूल कर लो। मुझे कुछ नहीं पता, ये केचुली और ये पिटारा हमारे घर कहाँ से आया? माँ, माँ मुझे बचा लो, मुझे कोई फंसा रहा है। माँ, वो कौन है योर ऑनर? इसका अनुमान है मुझे। मैं ठाकुर उजागर सिंह जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। एक तो ये लड़की हमारे देवता समान भाई की जान लेती है और फिर उनके चरित्र पर कीचड़ उछालती है। तुझे तो मैं आज ही रात हवेली उठा कर ले जाऊंगा, फिर जो हस्त्र करूंगा तेरा देख लेना। ठाकुर उजागर सिंह, आपने अभी अभी भरी सभा में इस लड़की को अपहरण की धमकी दी है। आईपीसी धारा 506 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि आपराधिक भय दर्शन और आईपीसी धारा 367 अपहरण के लिए आपको 2 साल की जेल हो सकती है। राइट जज साहब? हे वकील, क्या मजाक है ये? 2 वर्ष काराबंद रहना कोई स्वांग नहीं होता ठाकुर साहब। मेरे 5 गिनने से पहले अपने शब्द वापस लीजिए, वरना 1। अच्छा अच्छा, 2। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैं अपने शब्द वापस। वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे। अब ये बताइए ठाकुर साहब, दुलारी देवी की दवाई आप ही लाए? जी हाँ, इंदौर से। तो ये दवाई जो आप लाए थे वो इस बक्से में लाए थे, बड़े बक्से? जी हाँ, इस बक्से में। इतने बड़े बक्से में इतनी छोटी सी बोतल क्यों? क्या इस बड़े से बक्से में कोई और भी सामान था इस दवाई की शीशी के साथ? आपको क्या लगता है मैं इसमें सांप लाया था? यही लगता है मुझे। ए वकील, दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। फिर भरी सभा में धमकी दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, वकील साहब, हम अपने बड़े भाई साहब को क्यों मारेंगे? उचित प्रश्न, और इसका उत्तर भी दूंगा। पहले आप ये बताइए कि आप इंदौर क्यों गए थे? भाई साहब और मैंने मिलकर इंदौर से बाहर 100 एकड़ जमीन खरीदी थी, उसी की रजिस्ट्री के लिए वहां गया था वकील से मिलने। और सुना है कि लौटते समय आप एक छोटी सी जगह रुके थे, सपेरों की बस्ती में, क्या ये सच है? अरे क्या बात कर रहे हैं, आपको किसने कहा? आप ही के वाहन चालक ने। उसका ये कहना है कि बिल्लोड़ा नाम की सपेरों की बस्ती में आप रुके थे। क्यों गए थे आप वहां भ्रमण करने, साइट सीइंग, पर्यटन, या कोई विशेष कारण था आपके वहां जाने का? सोचिए सोचिए। दवा लेने। कौन सी दवा? अरे वही जोड़ों की दर्द की दवा जो दुलारी ने मंगाई थी। वहां एक बूढ़ा सपेरा रहता है जो जंगली जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाता है, वही दवा लेने गया था। दवा लेने गए थे आप उजागर सिंह जी, लेकिन दुलारी देवी के मर्ज की दवा नहीं, अपनी मर्ज की दवा लेने गए थे आप। वो सांप जिसने आपके भाई साहब को डसा और वो चल बसे। अरे
शांत हो। मैं बाप भाई भाई का खून क्यों करेगा? संपत्ति जायदाद जत वो 100 एकड़ की जमीन दोनों भाइयों ने मिलकर खरीदी थी, लेकिन पंजीयन सिर्फ आपके नाम पे की गई है उजागर सिंह जी। क्या कारण है इसका? ये आपको कहां से मिला? आप ही के वकील के पास से। चलिए चलिए चलिए, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्यों जब आप दोनों भाइयों ने मिलकर वो 100 एकड़ जमीन खरीदी थी, ये सिर्फ आपके नाम पे रजिस्टर की गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये विश्वास था कि आपके भाई साहब वो जमीन देखने के लिए जीवित नहीं रहे? देखिए वकील साहब, ये हम भाइयों का जाति मामला है, इससे इस कत्ल का कोई लेना देना नहीं। लेना देना तो तभी साबित होगा ना जब वकील साहब ये साबित कर देंगे कि उजागर सिंह जी नहीं वो गुमनाम सांप ठाकुर के कमरे में छोड़ा था। क्यों वकील साहब, तब उठेगा? दुर्भाग्यवश इस समय तो नहीं, किंतु अगर लेकिन किंतु परंतु ये सब जब सबूत लाने तक रोक कर रखिएगा वकील साहब, क्योंकि वो सांप उजागर सिंह जी के पास नहीं नीलाक्षी के पास पाया गया था। साहब, मैं इस बात की पुष्टि करने के लिए नीलाक्षी की माता जी दुलारी देवी को बुलाना चाहूंगा। दुलारी देवी जी, आपकी बेटी के विरुद्ध इस अदालत में जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें सुनकर आपके दिल पर क्या बीत रही होगी ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। इन निराधार आरोपों के उत्तर में क्या कहना चाहेंगी आप? कुछ कहिए दुलारी देवी, इस अदालत में किसी ने आपकी बेटी को नागिन कहा, किसी ने विषकन्या। आपकी बेटी को इस समय आपके सच की, एक माँ के सच की आवश्यकता है, कुछ कहिए। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं अब तेरी असलियत नहीं छुपा सकती हूँ। जज साहब, मेरी बेटी एक नागिन है। आप कह रही हैं जी इसकी माँ? जब से ये मुझे मिली है हर नाग पंचमी के दिन ये अपना रूप बदल कर नागिन बन जाती है। और कुछ घंटे बाद ये अपने इंसानी रूप ले लेती है। मैंने जब पहले ये देखा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है तो मैंने इस राज को राज ही रखा देता। माँ क्यों कर रही हो आप ऐसा? क्यों माँ? चुपचाप क्या खड़े हो? मारो पत्थर से! अदालत अगले सोमवार तक मुलतवी की जाती है, आप सब लोग जा सकते हैं। देखिए सर, बहस के आगे बीन बजाने का नतीजा सर कौन कहेगा कि हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं? ये लोग तो पिछड़े हुए लोगों से भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। नाग नागिन की कहानियां सर, मुझे तो ऐसी फिल्मी कहानी हजम नहीं होती, और ये लोग इसे असलियत बनाकर जी रहे हैं। सर, दिस इज द लिमिट सर। वरुण सर, मुझे तो लगता है कि गांव वाले पागल हो गए हैं। वरुण, काम डाउन, वातावरण को समझ।
सही कह रहे तू, ये गांव पिछड़ा हुआ है इसलिए यहाँ लोग पिछड़ी हुई बातें करते हैं। चौंका देने वाली बात तो दुलारी देवी का अपनी बेटी नीलाक्षी पर वो आरोप लगाना है। सब फंसा रही होगी इन सबके साथ मिलकर सर, सौतेली माँ जो है उसकी। नहीं वरुण, दुलारी देवी की आंखों में मैंने नीलाक्षी के लिए जो प्यार देखा है वो सगी माँ से भी बढ़कर है। ये तो स्पष्ट है कि वो किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रही है। प्रश्न है कि किसके दबाव में। सब बाहर कोई नहीं है, अभी भी समय है, इस केस को छोड़कर वापस अपने शहर चले जाओ, वरना इस नाग पंचमी के दिन उस नागिन के पाप का प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। पता कर किसकी राइटिंग। जी सर, लेकिन नाग पंचमी तो आज है और दुलारी ने कहा था कि नाग पंचमी को नीलाक्षी नागिन का रूप धारण करती है। आज नाग पंचमी के दिन तुझे खाना नहीं दूध पिलाना चाहिए। साहब, साहब भाग गई, नागिन भाग गई, रलिए साहब, नागिन भाग गई। साहब जी, मैंने अदालत में झूठ बोला था कि नीलू एक नागिन है। ये तो सच है कि नीलू मुझे सांपों के डेरे से मिली थी, पर साहब जी दूसरी लड़कियों की तरह वो भी एक आम लड़की है। वो बेकसूर है साहब जी, वो बहुत भोली है, वो बहुत मासूम है साहब जी। झूठ क्यों बोला आपने। उसने मुझे धमकी दी थी, उसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी बेटी को अगर मैंने नागिन नहीं माना तो वो उसे जेल में जिंदा जला देगा साहब जी। किसने धमकी दी थी। मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती। अगर उसे पता चल गया तो वो मेरी बच्ची को नहीं। अब मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरे होते हुए नीलाक्षी को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। बताइए मुझे, किसने धमकी दी थी आपको। उजागर सिंह। तो जेल में है सर। तो फिर रख। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। माय गॉड, सांप को काटा है। साफ सामने ही है, यही है वो सांप जिसने ठाकुर उजागर सिंह की जान ली है।
भ्रम टूटा ना साहब जी, नीलाक्षी जेल में थी तो ये सलाखों से छूटकर यहाँ इस हवेली में आई कैसे? सांप बनकर और यहाँ आकर इसने ठाकुर उजागर सिंह को डस लिया और जब हमने इसे देखा तो इसने रूप बदल लिया, वहां से भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ी गई। क्या सोच रहे हैं साहब जी, अगर इस दुनिया में भगवान है, शैतान है, तो फिर नागिन क्यों नहीं हो सकती? और आज नागपंचमी भी है, मुझे तो लगता है यही नागिन है। साहब जी, मैं तो कहता हूँ इसे पिंजरे में लेकर चलते हैं, अगर नागिन बन के हथकड़ी से छूटी तो सबसे पहले हम दोनों को ही डसेगी। अबे कैसी बात करता चंडीदास के बच्चे, तेरे को मालूम है ना मुझे सांप से बहुत डर लगता है। चल ले चल, चल जल्दी कर। क्या है सर? ठाकुर साहब के हाथों पर कोई मरहम जैसा पदार्थ लगा है। जांच करवा ले वरुण। यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता कि मैं उस हवेली में कैसे पहुंची। उस रात काल कोठरी में मुझे अचानक से चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर गई। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं उस हवेली में हूँ, उस बंद कमरे में। मैं बहुत घबरा गई, मुझे लगा कि ठाकुर उजागर सिंह ने मुझे उठाया है मारने के लिए। फिर अचानक से मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी, मैं इस डर से जाके पर्दे के पीछे छिप गई और फिर गांव वालों की तरफ देखकर क्या सोच रही है कि हाँ कि वो तुम्हारी बात पर विश्वास कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये सोच रहे होंगे कि तुम परसों की रात नागपंचमी के दिन जेल की खिड़की से सांप बनकर निकली हैगी और रेंगते हुए उजागर सिंह के कमरे में चली गई हैगी और उसको टसा आएगा और उसकी जान ले ली हैगी और भागने से पहले पाठक जी ने तुमको पकड़ लिया आएगा। मैं गांव वालों की बात पे विश्वास नहीं हैगा। पूछो क्यों? क्योंकि अदालत इस बात को नहीं मानता है कि विष कन्या या नागिन जैसी कोई चीज हैगी, मगर अदालत कातिल को जरूर मानता हैगा और मेरी नजर में तुम ही कातिल हैगी। उस दिन उजागर सिंह के कमरे में कैसे गई हैगी, शाम का नाटक कैसा किया हैगा और उसको डसा कैसे हैगा मेरे को नहीं मालूम, मगर मेरी नजर में तुम ही कातिल हैगी। क्यों सरपंच साहब, बताइए। साहब अब तक तो मैं इस लड़की को निर्दोष समझता था, लेकिन कल रात जो मैंने देखा उसके बाद सच को झुठलाना बड़ा मुश्किल है। यह लड़की वाकई इच्छाधारी नागिन है। जो भी हो कातिल हैंगी। बताओ शाम को कहां छिपा के रखा हैगा? पचौरी जी, नीलाक्षी के पास कोई सांप नहीं। आपने तो अपनी आंखों से देखा है ना उस सांप को, कहां गायब हो गया वो सांप? जसाब, इस बात ने मुझे भी चक्कर में डाला हुआ है कि आखिरकार एक बंद कमरे से वो सांप उछल कैसे हो गया। हो सकता है मेरे कुछ प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर देने में हमारी सहायता करे। मैं आपका मतलब नहीं समझा। समझाता हूँ योर ऑनर, इंसानों के मन में सांपों को लेकर कई भ्रम है, जैसे कि सांप सपेरे की बीन की आवाज सुनकर झूमता है। वास्तव में सांप के कान ही नहीं होते, वो बीन के इशारों की तरफ डोलता रहता है। और इस केस पर लागू होता हुआ एक भ्रम कि सांप अचानक कभी भी हमला करता है, जबकि ऐसा नहीं है योर ऑनर। सांप हमला तभी करता है जब उसे अपनी जान पर खतरे का आभास हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा फाटक साहब।
जज साहब, उजागर सिंह जी को जिस हाथ पर सांप ने डसा था उस हाथ पर मुझे मरहम लगा हुआ मिला। मरहम के सैंपल को जब मैंने जीव विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा तो मैंने पाया कि वो मरहम नेवले के बालों से यानी कि मंगूज हेयर से बना हुआ था। मंगूज योर ऑनर, नेवला सांप का पुराना प्रतिद्वंदी। नेवला? ठाकुर उजागर सिंह अपने हाथ पर नेवले की खुशबू क्यों लगाएगा? उन्होंने नहीं लगाया योर ऑनर, धोखे से उन पर लगाया गया ताकि सांप उनसे खतरा महसूस करे, उन्हें अपना शत्रु समझे और उन पर आक्रमण करे, और ऐसा ही हुआ। हमें धोखा होने से पहले सांप को धोखा दिया गया। संयोग वश योर ऑनर, ठाकुर उजागर सिंह के बड़े भाई ठाकुर उज्जवल सिंह के पांव पर जहां सांप ने डसा था वहां पर भी उसी लेप के ट्रेसेस मिले। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि मेरा विश्लेषण सही है। आप समझ रहे हैं इस पूरी रचना को? कोई नागिन नहीं, कोई विषकन्या नहीं, केवल एक हत्यारा है जिसने सांप को अपना शस्त्र बनाया है। न मंत्र न तंत्र, बस एक इंसानी षड्यंत्र। वाह 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 वा, केडी साहब, आपकी बातें सुनकर बड़ा मजा आ गया हैगा। वैसे ये षड्यंत्र नीलाक्षी भी रच सकती हैगी? नहीं बचौरी जी, ये षड्यंत्र नीलाक्षी नहीं रच सकती हैगी, क्योंकि ये जो लिखित धमकी मुझे भेजी गई थी, और जज साहब ये करतूत नीलाक्षी की नहीं हो सकती क्योंकि उस समय वो कोठरी में बंद थी, ये इसके योग्य नहीं है। जय महाकाल। इस लड़की की योग्यता को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। आप कौन है? मैं भैरवनाथ, एक सवेरा जो बच्चों से इस लड़की की तलाश में घूम रहा है। रग रग से वाकिफ हूं मैं इसकी रग रग से। महाराज, आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ आके कहिए। मेरे ज्ञान के सामने तुम्हारा विज्ञान सर झुका देगा बेटा। आज से 20 साल पहले जब मैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में वास कर रहा था, मैंने एक इच्छाधारी नागिन को अपने वश में कर लिया। उसकी मणि हासिल करने के लिए वो मुझसे दया की भीख मांगने लगी, गड़गड़ाने लगी। जस साहब, कहने लगी मुझे छोड़ दो, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। भीख मांगी उसने मुझसे गड़गड़ाकर, दया आ गई मुझे, दिल पसीज गया मेरा, जाने दिया उसे, आजाद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। और उसके कुछ समय बाद छत्तीसगढ़ के जंगल में दो लड़के शिकार करने के लिए आए, दो नौजवान लड़के, और उस शिकार के खेल में उन्होंने उस नागिन को मार डाला और उसकी वो मणि उन्होंने हासिल कर ली। जानते हो कौन थे वो दो नौजवान? तुम्हारे ही गांव के ठाकुर उज्जवल सिंह। और वो नागिन कौन थे जानना चाहोगे? इस लड़की की मां। नहीं, ऑर्डर ऑर्डर। इच्छाधारी नागिन की हत्या की जाती है ना, तो सत्यारे का प्रतिबिंब उस नागिन की आंखों में उतर आता है। नहीं, जब इस 2 साल की लड़की ने अपनी माँ की आंखों में उन हत्यारों का प्रतिबिंब देखा तो इसका प्रतिशोध जाग उठा। इसने उसी समय अपनी माँ के हत्यारों को मौत के घाट उतारने की ठान ली। जज साहब, मौत के घाट उतारने की। राज, इतने सालों के बाद इसने उन दो नौजवानों को मारकर अपनी मां की हत्या का
प्रतिशोध ले लिया है, लेकिन वो नाग मणि अभी इससे प्राप्त नहीं हुई है, और जब तक वो नाग मणि इससे नहीं मिल जाती जिसे ठाकुरों ने जमीन में तबाह किया था, तब तक ये इसी तरह इस गांव में मौत का तांडव करती रहेगी। मौत का तांडव, जय महाकाल। भैरव जी, आप केवल एक सपेरे हैं या खाली समय में पटकथा आदि भी लिखते हैं? क्योंकि ये जो कथा आपने सुनाई, ये कहानी मैंने किसी याद है मुझे किसी हिंदी फिल्म में देखी थी। मूर्ख, ये कोई कथा कहानी नहीं, वास्तविकता है। वास्तविकता इस गांव वालों का भ्रम कोई नाटक या कोई कल्पना नहीं है, सत्य है, सत्य है। ये कन्या नागिन है, नागिन। आपकी इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास कि ये लड़की नागिन है? वकील साहब, मैं जानता हूं कि ये जग जो है चमत्कार को नमस्कार करता है, चमत्कार को। और आज मैं इस भारी अदालत में चमत्कार करके दिखाऊंगा, इस कन्या को नागिन बना दूंगा। आज तेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी लड़की। दत्त साहब, ये न्यायालय है, कोई मेला नहीं, अब बीन बजाएंगे। सत्य से मुंह फेरना चाहते हो वकील साहब? आप रुकिए मत भैरव बाबा, हम सब सच्चाई जानना चाहते हैं। पाठक साहब, देखते हैं क्या होता है। ठीक है बाबा, आप अपनी क्रिया शुरू कीजिए। जय महाकाल। अरे पानी लाओ। मैंने पहले ही कहा था कि ये नागिन है, वरना सलाखों के पीछे से कोई इंसान निकल सकता है क्या? मस्तानी जी, आप प्लीज बैठ जाइए। जज साहब, इसका बेहोश होना ही सबूत है कि भैरव बाबा की शक्तियों का असर हुआ है इस पर। ये कैसी अदालत है यार, जहां नियम और अनुशासन के बदले बेलगाम बहती हुई भावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां तर्क और सूझबूझ के बदले अंधविश्वास को मान्यता दी जा रही है। ये अदालत कैसी भी हैगी मिस्टर केडी, इस अदालत में भी वैसा ही इंसाफ मिलेगा आपको जैसे दूसरी अदालतों में मिलता आएगा। इंसाफ? कैसा इंसाफ? पहले से डरी हुई सहमी हुई सी लड़की के सामने बीन बजाकर धमकी देकर उसे बेहोश करना, तमाशा करना, इन सब का खड़े होकर तमाशा देखना, इसको इंसाफ कहते हैं आप? क्या है ये एरर? पहले सिर्फ नागिन थी, अभी नागमनी भी जुड़ गया। मिस्टर पचौरी, मिस्टर पाठक का कहना सही है, इस केस को हमें केवल न्याय और सबूतों की रोशनी में देखना है। थैंक यू माय बाप। मिस्टर केडी जी, उजागर सिंह के लाश के सामने एक सांप देखा हैंगा। जी। उसका पीछा किया हैंगा तुम? जी। एक बंद कमरे में सांप घुस गया हैंगा एक पर्दे के पीछे। जी जी, तो जब पर्दा हटाया तुमने, पर्दे के पीछे कौन मिला? नीलाक्षी थी। उस
सांप किधर गायब हो गया केडी, वो सांप किधर गायब हो गया? देखिए मिस्टर पचौरी, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग मिस्टर केडी। यहाँ इधर अदालत में वैर वैर वैर, सांप सांप का मालिक किधर? ब्रिंग द सांप एंड सांप का मालिक इधर, इन द कोर्ट, इन द अदालत, देन आई अग्री मीनाक्षी इज इनोसेंट। कल को ऐसा ना हो जाए कि मैं भी उसको नागिन समझे बैठा। सर, जो भी हुआ उसके बाद भी मैं और आप जानते हैं कि इच्छाधारी नागिन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इन गांव वालों ने तो सच्चाई से मुंह मोड़ लिया, इन्हें यकीन कैसे दिलाएं? सर, प्रोसिक्यूटर पचौरी की बात मानकर, जैसा कि अदालत में कहा था उन्होंने, सांप और सांप के मालिक को ढूंढ करो, और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों यही मिलेंगे उजागर सिंह की हवेली में। केडी सर, सांप को वहां दिखा था। वो देख वरुण, मिट्टी में सांप के निशान। वरुण, सोचने वाली बात है कि यहां इतनी सारी मिट्टी आएगी कैसे? क्या कोई चाहता है कि हमें यहां सांप के निशान नजर आए? पॉसिबल सर। यहां भी मिट्टी है वरुण, पर्दे की ओर जा रहा है। दिस इज क्रेजी सर, भागने का कोई जरिया ही नहीं। सांप पर्दे के पीछे जाकर गायब कहां हो गया? पर्दे में भी नहीं। क्या हुआ सर? इस मिट्टी में सांप के निशान देख रहा हूं। सांप पर्दे की ओर आ रहा था या पर्दे से दूर जा रहा था? सब पर्दे की तरफ आ रहा था। तो फिर सांप के दुम के निशान पर्दे की ओर क्यों है? इसका मतलब सांप दरवाजे तक जा रहा था। यस सर, मेन डोर की तरफ। इंटरेस्टिंग। नीलाक्षी, तुम अदालत में सपेरे की बीन सुनकर इस तरह बेहोश क्यों हो गई थी? पता नहीं साहब जी, अचानक से सर भारी हुआ और चक्कर आ गया। और उस रात जब तुम कोठरी में बेहोश हुई थी और अपने आप को हवेली में पाया, क्या तब भी तुम्हारा सर इसी तरह चकराया था? जी। अदो भैरव जी, भैरव बाबा, आप इस नागिन को, इस लड़की को कितने साल से जानते हैं? आप इस लड़की को 20 सालों से। और इसकी माँ को 40 सालों से। 40 सालों से? तो आपकी उम्र 40 से अधिक ही होगी। 45। 45 वर्ष के हो गए आप, और 40 वर्षों से आप इनकी माताजी को जानते हैं। मतलब ये जो धंधा, मेरा मतलब है ये जो कार्य है आपका सपेरों का, ये 5 वर्ष की उम्र से आप कर रहे हैं। तो तब से 5 वर्ष की उम्र से ही आपका गेटअप यही है? गेटअप क्या, ये पोशाक है हमारी? पोशाक बहुत ही जचती है आप पर भैरव बाबा, ये पोशाक। सच कहूं तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी ऐसे। वाह क्या बात है, कहां कहां से सिलवाते हैं आप अपनी ये पोशाक? जरा देखें वहां, छगन लाल ड्रेस वाला इंदौर, छगन लाल ड्रेस वाला इंदौर, ये बड़ा बड़ा ही नामचीन दुकान है। ये लोग ऐसे कपड़े फैंसी ड्रेस पार्टी के लिए, नाटकों के लिए इत्यादि इत्यादि किराए पर दिया करते हैं, भाड़े पर। देखें अभी किसका बिल हो सकता है मेरे हाथों में। झोला झोला, 4 माला, 1-2-3, 4 माला, काले वस्त्र काले वस्त्र, मुजड़ी मुजड़ी, बीन, ओ वही आपकी जो सुरीली बीन थी, वही
ये सारा कुछ आपने 3 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक किराए पे लिया है, ये भाड़ा आपका 620 रुपए। तो भैरव बाबा ये असली है सब। हाँ, लेकिन इस दाढ़ी के पीछे जो चेहरा है वो नकली है। Am I right, भैरव बाबा उर्फ बाकी चतुर्वेदी? और am I right? साहब, मैं एक एक्टर हूं साहब, एक कलाकार। जबलपुर में थिएटर करता हूं। तो वो नागमणि की कहानी, वो नागिन का कहर साहब, वो मेरी एक पेड परफॉर्मेंस थी साहब। सौदा किया गया था मुझसे, सौदा किया गया। ये भी बता दो कि ये अभिनय करने के लिए ये सौदा किसने किया था आपके साथ? 10,000 रुपए दिए थे साहब जी मुझे 2 दिन के लिए पुजारी जी ने। पंडित जी और ऑनर, पंडित जी तो आएंगे, इनका क्या करें? रलिया राम, इस पाखंडी सपेरे को फौरन हिरासत में लिया जाए। मुझे कुछ साल पहले उजागर सिंह ने एक छोटी सी जमीन दी थी दान में, 10 बीघा जमीन। मैं उसे बेचना चाहता था लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला। मैंने एक प्लान बनाया था कि इस नकली सपेरे द्वारा गांव में नागमणि की कहानी फैला दूं और ये कहे कि उस जमीन में नागमणि कहीं गड़ी हुई है, ताकि नागमणि की लालच में आके लोग उसे खरीदें और मैं बड़ी आसानी से उस जमीन को दुगने तिगने दामों में बेच सकूं। जय मां दुर्गे। और इसी कारण से आपने दोनों ठाकुरों की हत्या भी कर? नहीं नहीं, दुर्गा मां की कसम, मैंने उन्हें नहीं मरवाया, वो तो किसी सांप द्वारा डसे गए हैं। कड़ी साहब, आपकी सुविधा के लिए बता देते हैंगे कि दोनों कत्ल के दौरान पंडित जी मंदिर में ही थे, आधा गांव इसका साक्षी हैगा। तो फिर आधा गांव इस बात का भी साक्षी होगा कि मुझे ये जो धमकी पत्र भेजा गया था इस पर जो लिखावट है ये किसकी है? आप ही की होगी, आप ही की है? नहीं, अरे आप ही की लिखावट है। नहीं, नहीं, ये अरे आप ही की लिखावट है पंडित जी। नहीं, किसकी है ये लिखावट? ये लिखावट तो दिसंबर की है। हाँ बिशंबर जी, पंडित जी का कहना है कि ये लिखावट आपकी है। आपकी है या नहीं? ये मेरा नहीं है, ये मैंने खिड़की से नहीं फेंका साहब। खिड़की से? मैंने तो किसी खिड़की की बात ही नहीं की, वैसे ये खिड़की से ही आया। हाँ ये मैंने ही लिखा है, लेकिन मुझे मस्तानी ने कहा था कि लिखने के लिए। अच्छा, तो मस्तानी जी के कहने पर ही आपने नीलाक्षी के बारे में वो जो कहानी नागिन और सपेरे की, वो जो? जी हाँ, वो कहानी झूठी थी। और मस्तानी जी के कहने पर ही आपने इनके आंगन में वो केचली, वो पिटारी आपने रखी? नहीं नहीं, वो मैंने नहीं रखी। सांप के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। सांप में कुछ नहीं मालूम, मतलब आपने कभी वो सांप देखा तक नहीं? देखा ही नहीं। नहीं, मैं ठहरा बाबा, अपाहिज, मैं सांप को संभालूंगा हुजूर के, अपने आप को। ये मस्तानी से पूछ लीजिए। ठीक है, ये कुछ बू आ रही है अजीब सी। ठीक है, मस्तानी जी से पूछते हैं। मस्तानी जी, आप नीलाक्षी की सबसे कड़ी, सबसे कठोर आलोचक रही है, आपको इन बातों के बीच पाकर मिस्ता तंग सा रह गया हूं। जी हाँ, मैंने ही चाचा को कहा था आपको धमकाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि नीलाक्षी जेल से बाहर निकले।
तो उस पेड़ के एक छोर से नागिन का जाना और दूसरे छोर से नीलाक्षी का बाहर आना, वो कथा सब झूठी थी। मेरे सारे आरोप झूठे थे। पर आपको ये झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कृपया कर अदालत को बताइए। इसकी खूबसूरती जिस पर दोनों ठाकुर इतने फिदा हो गए थे कि वो दोनों मुझे भूल गए थे, जबकि मैंने इतने सालों से उन दोनों की सेवा की थी। तो इस बुरे व्यवहार के कारण ही आपने दोनों ठाकुरों को सांप से कटवा कर उन्हें मृत्यु दी? नहीं, सांप के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। भला मेरे पास सांप कहाँ से आएगा? सांप भले ही ना हो, खसखस तो है। खसखस? हाँ, खसखस जो आप अपने आंगन में उगाती हैं, खसखस जिसे अगर पीस कर किसी के खाए या पेय पदार्थ में डाल दिया जाए तो व्यक्ति नशे में आ जाता है, कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह नीलाक्षी उस दिन उस ढोंगी बाबा के बीन पर बेहोश हुई थी, हम सबको लगा कि। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि योर ऑनर, नीलाक्षी के जेल के ग्लास में खसखस डाला गया था पीस कर, और लैब की रिपोर्ट। अब बताइए मस्तानी जी, क्यों आपने बेहोश करना चाहा नीलाक्षी को, क्या कारण था इसके पीछे? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि इंस्पेक्टर रलियाराम मेरे घर आए थे और ढेर सारे खसखस के पत्ते लेकर गए थे मुझसे, ये उन्हीं की करतूत होगी। राम राम माई बाप, वर्दी में हूँ वकील साहब, झूठ नहीं बोलूंगा। आपके मन में आपकी वर्दी के लिए इतना मोह देखकर इतनी प्रसन्नता हुई है। चलिए ये बताइए कि वो मेंढक वाली कहानी जो नीलाक्षी को फंसाने के लिए आपने कही थी, वो सच है क्या? नहीं वकील साहब, गलत थी वो। इसके लिए ठाकुर उजागर सिंह ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे साहब। और वो वाक्य जब नीलाक्षी को ढोंगी सपेरे के बीन के सामने नशा चढ़ा, वो भी गलत था साहब। हमने उसको कचहरी में लाने के पहले उसके पानी में खसखस का पानी मिला दिया था वकील साहब, वर्दी में हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। और ये काम पुजारी जी ने करवाया था? जी वकील साहब, 8,000 रुपए दिए थे। और नागपंचमी की रात जब बेहोशी की हालत में नीलाक्षी वहाँ ठाकुर की हवेली पहुँची, वो कैसे? वर्दी में हूँ वकील साहब, झूठ नहीं बोलूंगा। उस दिन हमने हवालात में नीलाक्षी के पानी में खसखस का पानी मिला दिया था और उस कारण वो बेहोश हो गई, और मैंने वो मेरे हवलदार चंडीदास ने मिलकर उसे उठाकर हवेली पहुंचा दिया था साहब। और वहां पहुंचकर आपने ठाकुर उजागर सिंह जी को जिंदा पाया? नहीं साहब, जब हम वहां पहुंचे माई बाप तो वहां ठाकुर साहब थे ही नहीं। माँ कसम हमने उन्हें नहीं मारा साहब। ओ भला हमारे पास सांप कहां से आएगा? माई बाप, वैसे भी मैं सांप से बहुत डरता हूँ साहब, बहुत। और इस काम के लिए नीलाक्षी को वहां ठाकुर की हवेली तक पहुंचाने के लिए 11,000 आपको मिले थे या किसने दिए थे? वर्दी में हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा साहब, सरपंच जी ने। सरपंच जी ने? पंची, आपने नीलाक्षी को कोठरी में बेहोश करवा कर ठाकुर जी के हवेली भिजवाया? क्यों भिजवाया, क्यों किया ऐसा आपने? अरे बोलिए ना, क्यों किया ऐसा आप? उजागर सिंह से दुश्मनी निकालने के लिए। जज साहब, कहने को तो गांव का सरपंच मैं हूँ, लेकिन चलती सिर्फ उजागर सिंह की थी, मुझे अपने पांव की जूती समझता था वो, इसलिए मैंने सोचा हरी अदालत में जो उजागर सिंह ने नीलाक्षी को उठवाने की धमकी तो दे ही डाली है, अगर मैं नीलाक्षी को हवेली पहुंचा देता हूं तो आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए ये काम मैंने रलियाराम से करवाया। तो इसीलिए बदला लेने के लिए आपने ठाकुर उजागर सिंह जी को? कड़ी साहब, इनके पास सांप नहीं हैगा, ये कहां से उजागर सिंह जी की जान ले सकते हैंगे? हाँ, मेरे पास सांप कहां से आया? और वैसे मैं खुद आपके साथ हवेली गया था जब उजागर सिंह की लाश मिली थी। सुन लिया ना केड़ी साहब, अब बताइए
आपने 6-6 लोगों पर उंगलियां उठाई है। इन 6 लोगों ने माना कि कोई गलत कांड किया जरूर हैगा, जिसके लिए कानून जरूर सजा देगा, लेकिन ठाकुरों की मौत इन 6 में से किसी ने तो की थी, है ना? परखड़ी साहब, इन 6 लोगों के पास सांप नहीं हैगा, और ना ही ये सबूत हैगा कि इनके पास सांप हैगा, और ना ये नागिन हैंगे या नाग हैंगे, फिर कौन हो सकता हैगा? बताइए केड़ी साहब, और कौन हो सकता हैगा? केड़ी साहब, आपकी मुवक्किल नीलाक्षी जी हैंगी। योर ऑनर, अब तो स्पष्ट हो चुका है कि नीलाक्षी को नागिन केस मनगढ़ंत कहानी में फंसाया गया था। वो केचली और वो पिटारी भी इसके घर पर छोड़ी गई थी, इनकी नहीं थी जी। लेकिन ये काम किसका है? अभी तक तो किसी ने इस अपराध को कबूल नहीं किया। जज साहब, हम नागिन के पड़ाव से लेकर इंसानों तक तो पहुंच गए, और ये मेरा विश्वास नहीं, मेरा दावा भी है कि बहुत जल्द हम उन इंसानों में हत्यारा भी ढूंढ निकालेंगे। आज की कार्रवाई यहीं पर समाप्त होती है। कल सुबह 10 बजे अदालत की कार्रवाई फिर शुरू होगी, और हाँ, तब तक के लिए इंस्पेक्टर रलियाराम, हवलदार चंडीदास, पुजारी परोहित, सरपंच लहरी सिंह और अभिनेता बांके चतुर्वेदी को उनकी गैर कानूनी हरकतों के लिए हिरासत में लिया जाता है, और बशंबर दास और मस्तानी को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा जाता है। जजमान, मैंने तो सिर्फ जमीन। चुप कीजिए पुजारी जी, जज के आदेश को टोकने की हिम्मत कैसे की आपने? आइंदा अगर आपने बेवक्त मुंह खोला तो आपकी सजा को और बढ़ा दूंगा, समझे? जय मां दुर्गे। अदालत बर्खास्त की जाती है। जय मां दुर्गे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो मस्तानी जी, हुआ यूं कि कल रात, इससे पहले कि वो सांप मुझे डसे, मेरी आंखें खुल गई और वो सांप वहां से अदृश्य हो गया। मैंने उसका पीछा किया तो आप वहां मिली। कमाल है ना, ढूंढना सांप मिली आप, कहीं आप ही वो नागिन तो नहीं? नहीं नहीं, अब मुझे उस सांप के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो चाचा के मुंह से सांप सांप सुनकर मैं डर के मारे भाग गई वहां से। वहां से तो आप भाग गई थी, लेकिन रात के 3 बजे आप वहां आई क्यों थी? क्या कर रही थी आप? अरे, आपने ही तो मुझे बुलाया था ना। मैंने, देखिए ये 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 पर्ची आप मेरे घर के बाहर छोड़कर गए थे। आज रात ठीक 3 बजे मुझे मिलने आना केडी पाठक। जी नहीं मस्तानी जी, ये पर्ची ना तो मैंने लिखी है, ना मैंने भेजी, ना मैंने आपके घर के बाहर रखी। कमाल है, सब तो कारागार में बंद थे, फिर बाहर थे तो सिर्फ आप, वो सांप और हाँ बिशंबर काका। हाँ तो बिशंबर चाचा जी, ये जब भी आप, खैर छोड़िए, ये बताइए चाचा जी के रात के 3 बजे आप वहाँ क्या कर रहे थे? आप ही ने तो बुलाया था, आपकी वो ये पर्ची मिली थी, आपने भेजी थी। मैंने, आज रात के ठीक 3 बजे मुझसे मिलने आना केडी पाठक का, स्पष्ट है चाचा जी कि ये न मैंने लिखा है न मैंने भेजी है। कौन हो सकता है जो आपको और मस्तानी जी को इस केस में फंसाने की चेष्टा कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कौन हो सकता है? पता नहीं बेटा,
मैं तो बाल बाल बच गया उसके सांप के काटने से। वो मेरी आंखों के सामने झाड़ी में चला गया और वहां से गायब। और कुछ पूछना है बेटा? पैर में तकलीफ हो रही है। अच्छा, नहीं चाचा जी, आप जाइए बैठिए। अरे मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप तो ठाकुरों के हवेली के रखवाले हैं, तो कभी भी किसी भी समय जहां आप चाहें आ जा सकते हैं, छूट है पूरी आपको, है ना? हाँ हाँ, तो ठाकुरों के कमरे में भी, ठाकुर उजागर सिंह और ठाकुर उज्जवल सिंह के कमरे में भी आना जाना। तो आप कहना क्या चाहते हो, क्या मैंने वो सांप वहां पे छोड़ा? हाँ, ये इस बात की संभावना है चाचा जी। अरे लेकिन मैं वो सांप कहाँ से लाऊंगा और उसको भगाऊंगा कैसे? मैं ठहरा एक लाचार बूढ़ा अपाहिज, अपने आप को संभालू या सांप को पालू? लेकिन देखिए चाचा जी, कितनी निपुणता से आपने ये दोनों कार्य किए, अपने आप को भी संभाला, सांप को भी पाला इस लाठी के मदद से, है ना? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा ये बताइए चाचा जी कि आपकी लाठी में ये दो छेद जो है, ये दो छेद क्यों है? ये बस है। है मतलब क्या, लाठी में छेद? मैंने तो नहीं देखा किसी लाठी में दो छेद हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा अंदर बाहर आ जा सके, इस कारण ये दो छेद है, सांस ले सके, सांस लेने में तकलीफ ना हो? चाचा जी जरा आपकी लाठी देख सकते? नहीं। योर ऑनर प्लीज। विशंबर दास, लाठी दो। दीजिए दीजिए, आप यहां यहां लाइए हाथ तक, ये पत्र आपके जरिए। दत्त साहब, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, ऐसा वार करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस उदाहरण में ऐसा वार किया गया कि सांप भी नहीं मरा और लाठी भी नहीं टूटी। मैं अदालत को कुछ दिखाना चाहूंगा यार। पचौरी साहब, आपकी मांग पूरी हुई। हियर इज द स्नेक, देयर इज द स्नेक का मालिक। साहब, ठाकुर उज्जवल सिंह और उजागर सिंह का कोई वारिस नहीं था, उनके बाद हवेली मुझे मिल जाती। एक तो उन दोनों भाइयों की नीलाक्षी पर बुरी नजर थी और दूसरी तरफ गांव वाले नीलाक्षी को नागिन समझते थे। यही बात देखकर कि मैंने एक षड्यंत्र रचा और एक जहरीला नाग खरीद लाया। उसको मैंने अपनी इस लाठी में पाला और उसको सिखाया कि कहीं भी नेवले की गंध मिले तो वो उसे जा करके डस ले और फिर वापस लाठी में आ जाए। तुम यहां क्यों आए? बारे में किसी से कुछ कहा ना तो सीधा काट दूंगा। पानी लेके आओ। We'll be right back.
फिर मैंने ही नीलाक्षी के घर में वो सांप की कैंचली और पिटारा डाला। और नागपंचमी की रात जब मैंने सरपंच और रविया राम को देखा कि वो बेहोशी की हालत में नीलाक्षी को हवेली में ले जा रहे हैं, तो मैंने दूसरा षड्यंत्र रचा कि क्यों ना उजागर सिंह को भी मार दिया जाए। और फिर मैं नीलाक्षी के पास गया और अपने सांप को आजाद कर दिया। गंध पाकर सांप उजागर सिंह की तरफ गया और जब सबकी नजर नीलाक्षी और निशान पर थी, तब मैंने सांप को वापस लाठी में ले लिया ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। विशंबर चाचा जी, मुझे मारने का प्रयास भी शायद आप ही ने। कल रात मैंने आपको भी मारने की कोशिश की थी। ये कहावत भी सही है माई बाप के, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बस। ये अदालत विशंबरनाथ को ठाकुर उज्जवल सिंह और ठाकुर उजागर सिंह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और कुमारी नीलाक्षी को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. जय मां दुर्गे। हम तो खड़ी साहब धन्य हो गए हैंगे, आपके साथ मुकदमा लड़ने का मौका मिला हैंगा, बहुत कुछ सीखने को मिला हैंगा। अरे ये तो हमारा सौभाग्य हैंगा पचौरी साहब। हैंगा के नहीं हैंगा? नहीं 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 नहीं, एक एक फोटो हो जाए। हाँ हाँ मैं फोटो की। एक मिनट, मैं भी आता हूँ। श्योर सर। आइए आइए आइए, बीच में आ जाइए। आइए यहाँ आ जाइए सर। आज खुशी के मौके पर आपकी फेवरेट लाइन हो जाए।